आई से वो जो किसी ने बहुत अच्छी तरह बोला था मुझे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा के बाद अगला सवाल ये है ये नाइट पायर के दूसरे एपिसोड्स कब आएंगे। सो इतना दोनों इतना इतना प्यार कहूँगा जो एज रानी सेड थोड़ा गुस्से के फॉर्म में भी आता है बट वो प्यार ही है। फैक्ट पीपल हैव लव्ड इट एंड दे आर सो एक्साइटेड मेक्स मी कॉन्फिडेंट येट नर्वस कब आएगा तो यू नो क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की। और एज आदि अनसर सेड कि मैंने ही देखा है तो ये वन मुट्ठी है तो 30th को आई एम वेरी कीन टू नो एवरीवन्स रिएक्शन इंक्लूडिंग अनिल सर एंड आदि व्हाट दे फील व्हेन दे सी इट। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट पार्ट 2? 29th को स्क्रीनिंग है एपिसोड आप आइए सब लोग और देखिए। एंड अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया तो मैं होप करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा पार्ट बहुत ही अच्छा। अनिल जी हमने सुना 28th को स्क्रीनिंग स्पेशल अनिल सर ने इस बार डिसाइड किया है कि हम सब मीडिया के लिए स्क्रीनिंग किया जाए तो आप सब लोग के लिए इनविटेशन है फ्रॉम सर। थैंक यू सो मच। अनिल जी हमने सुना था कि आप काफ़ी रिलक्टेंट थे फर्स्ट विलन का प्ले रोल प्ले करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं था। रिलक्टेंट तो हर रोल के लिए होता हूँ मैं पहले क्योंकि थोड़ा सा एंक्शसनेस नर्वसनेस होती है कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है वही एनर्जी से फिर मैं जब वो एनर्जी मिलती है तो वो कॉन्फिडेंट होकर काम करना तो मुझे आता नहीं करना तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं ताकि मैं और रोल को जिस तरह डायरेक्टर चाहते हैं जिस तरह राइटर चाहते हैं उसे अच्छी तरह निभा सकूँ। तो वो रिलक्टेंस वो कन्फ्यूजन वो ये सब चीज़ें आई ड्रॉ फ्रॉम दैट एनर्जी। सर जो सीजन 1 में लीपिका जी का जो किरदार है ऐसा लग रहा है कि लीपिका जी का किरदार सीजन 2 में काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार होने वाला है शान और लीपिका जी का। अगर आप सर कुछ बताना चाहोगे उनका किरदार कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये पार्ट 2 में? जैसे सीजन बदलती है हर कैरेक्टर का जैसे नेचर का भी रंग बदलता है ऐसे हर कैरेक्टर का रंग बदलने वाला है और सिर्फ लीपिका का कैरेक्टर नहीं शान का कैरेक्टर बदलने वाला है शली का बदलने वाला है। सो मैं बस यही कहूँगा कि एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड when the second part comes out. काफ़ी मेहनत हुई है काफ़ी हमने कोशिश की है कि हम आप लोग की उम्मीदों तक खरा उतर पाए बट अभी कहते हैं कि आपके ऊपर है लेट्स सी हाउ यू गाइस रिएक्ट। शान के किरदार की मैं बात करूँ तो कितना हमने अब तक शान के किरदार को पूरी तरह देखा है पार्ट 2 पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हम देखने वाले शान के किरदार में? आई थिंक काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा क्योंकि अभी शान इज फाइनली फाउंड द ट्रस्ट अभी ही इज अर्न द ट्रस्ट अभी वो घुस गया। अभी क्या है कि द स्टोरी इज गोइंग टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग और शान इज गोइंग टू बी इन मोर एंड मोर सिचुएशन आर गोइंग टू कन्फ्यूज द ऑडियंस कि वो बोले क्या नहीं कि वो उसके मोटिवेशन सेम रहेंगे चेंज करेंगे उनके प्रायोरिटीज। आई थिंक लाइफ शान के लिए अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है उनके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं जो पहले नहीं थे अपॉर्चुनिटीज और आई थिंक द ऑडियंस विल आल्सो बी वेटिंग टू सी कि वो ये करेगा कि वो संदीप जी जो इंटरनेशनल एक्टर ने काम किया है टॉम गेनर उनका कि क्या वो इनका और आदित्य जी का फेस ऑफ कुछ है कि क्या है? फेस ऑफ नहीं इनका उन्होंने बात की थी जब टॉम हिडलसन साहब ने देखा ये हमारा शो कुछ एपिसोड देखे हमने लंदन में स्क्रीनिंग की थी उन्हें कहे तो यू नो ही वाज सो मूव्ड एंड ही रियली लाइक्ड इट सो मच उन्होंने कहा कि यू वुड लाइक टू स्पीक टू आदित्य। सो दैट टाइम आई थिंक इंडिया में काफ़ी लेट टाइम हुआ था एंड आई रिमेंबर कॉलिंग आदित्य एंड आई थिंक लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग वाज अबाउट टू गो टू बेड एंड वी हैड वोकन हिम अप विद टॉम्स कॉल तो ही कैन एक्चुअली टेल यू काफ़ी लंबी बात हुई और मेरे ख्याल से काफ़ी पर्सनल बात हुई एक दो एक्टर्स के बारे में एक ही कॉमन पार्ट दोनों ने प्ले किया है या दोनों की किस तरह से उन्होंने अप्रोच किया काफ़ी डिटेल था। इनफैक्ट कुछ मिनट्स के बाद तो मैं भी दूर चला गया आई वॉन्टेड देम टू हैव देयर मोमेंट टुगेदर इट वॉज अ वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट थिंग फॉर बोथ ऑफ देम। अच्छा जी क्या बातचीत हुई आपकी और ये कि एक्चुअली शो काफ़ी अच्छा लगा ऑल ऑफ देम लव द शो दे फेल्ट कि संदीप और राइटर्स ने बहुत यूनिक तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया है फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रोल के बारे में बात की या आस्क्ड मी हाउ आई अप्रोच्ड इट और आई ऑब्वियसली वाज यू नो वेरी थैंकफुल टू हिम क्योंकि
आई गॉट सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम द वे ही प्लेड हिज रोल. तो यस वी स्पोक फॉर अ वाइल, उनको शो भी अच्छी लगी और ऑल्सो द परफॉर्मेंस विच आई थिंक वॉज रियली नाइस. कैसे गुजरिए पता ही नहीं चला और बस अभी नाइट मैनेजर का इंतजार है. पार्टनर 30 जून को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो, आप लोग सब देखिए, जरूर देखिए. और 28 तारीख को आप आइए तो आपके सारे जो सवालों का जवाब हम वहाँ भी देंगे. सब चीज़ों का सवाल अगर यहाँ दे दिया तो फिर वहाँ हमारे पास वो शो देखने के बाद कुछ बचे नहीं आपसे. But how do you adapt with the technology? Because you had work in a film and the TV serial also, now to the web series. How did you develop or maybe evolved as an actor? Well, I think I've been very khushnaseeb raha hun ki acche acche directors ke saath kaam karne ka mauka mila, acche actors ke saath, acche actresses ke saath, acche art directors, cameramen ke saath. To kahin na kahin unke saath judh ke maine bhi unse bahut kuch seekha hai. उनसे सीख सीख के जो कुछ भी आप देख रहे हैं मेरे पर्दे पर, कहीं ना कहीं उन सब की सीख है, उन सब का योगदान रहा है मेरे यू नो जितनी भी मैंने किरदार लिखी हैं लास्ट सालों में कुछ. एंड जैसे कि सो आई थिंक इट्स बेसिकली क्या होता है कि अकेला तो आदमी कुछ कर नहीं सकता और कहीं ना कहीं ऊपर वाला का ऊपर वालों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, ये सब चीज़ें होती हैं जो काम आती हैं. I've been fortunate. You know, as a night manager, I'm fortunate कि मुझे you know this ensemble cast का और director, writers काम करने का मौका मिला. कहीं ना कहीं ये तो plan किया नहीं था, ये मेरी झोली में आके आ गया और मैंने उसे स्वीकार किया और अपनी तरफ से पूरी मदद की और काम किया, सब ने मिलकर किया. इसलिए सब कुछ जो आप देख रहे पड़ते पर इतने लोग आप लोग आए हैं, सवाल कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. And a certain kind of blessings of the family and everybody, all your well wishes, who generally feel. So I think that's what it is. कोई ज़्यादा कोई इसमें हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, हमसे भी खूबसूरत लोग हैं. एंड कभी कभी उनको मौका थोड़ा बाद में मिलता है, उनको पहले मिल गया. कुछ ऐसी फिल्में मिलती हैं, शोज होती हैं जो मैं हमने अपने काम करने का वहाँ मौका मिलता है और शाइन करने का मौका. सो आई थिंक वी बी वेरी फॉर्चुनेट हमारे पास ये कहानी आई, ये शो आया और हमने उसे आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की. आदित्य मार्गदर्शन टू यू, इसमें क्या कुछ सीखने को मिलता है जब आपके सामने स्टार कास्ट को और साथ ही साथ आपको जो रोल का टक्कर वाला है तो किस तरह से वो टक्कर आपने ली है, कैसा उससे बात कर पाया आप? मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैं सर के साथ मेरी दूसरी प्रोजेक्ट है मदन देवी का साथ में काम किए थे. I think every day sir ke saath is a learning experience. I think sir just how committed sir is to every role, jis tarike se wo prepare karte hain, involved hote hain, is an infectious thing and all of us I think get inspired as younger the profession from that. और सर आई थिंक इन डिफरेंट वेज यू नो सर इज़ अ टीम प्लेयर. आई थिंक संदीप के टेल यू कि वो हर चीज़ में यू नो देयर इज़ अ इफ़ यू वांट सर इज़ हेल्पफुल यू नो यू आस्क एंड इज़ देयर एंड ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम हेल्पिंग एक्टर्स टू हेल्पिंग प्रोडक्शन टू हेल्पिंग यू टू हेल्पिंग विद ऑल हिज एक्सपीरियंस. गाइस लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट हाँ वो करे में बहुत मजा आया क्योंकि वो एक्चुअली स्टिंग ऑपरेशन जैसा था ना. आई पुट ऑन दिस थिंग एंड वी पुट ऑन दिस हिडन कैमरास. पर कोई कोई लोगों को पता है कि ये चलो कुछ प्रमोशन चालू है, बट सम पीपल एक्चुअली गॉट फूल्ड यार. एक्चुअली आई मेट माई ओल्ड स्कूल टीचर और उनको सच में लगा कि यार आदि आई थॉट कि तू एक्टिंग में है ना, ये क्या हो गया. ऐसे नहीं मैम, वो एक्टिंग चल नहीं रहा था ठीक से, तो अभी ये बैकअप है, कोविड के बाद करना पड़ता है. तो एक्चुअली करने में मज़ा आया और एक्चुअली वो जॉब में क्या जॉब इजी नहीं है यू नो. आई
आई गॉट टू लर्न क्वाइट अ बिट ऑफ एक्टर ऑफ इट बट देखते हैं वापस पर अभी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो अनाउंस नहीं कर रहे हैं ना सुनी नहीं जाते सर माना जा रहा है पार्ट 2 में एंडिंग के पार्ट में कुछ चेंजेस हुए सो दैट यू कैन मेक पार्ट 3 इज इट ट्रू एंड कैन वी सी द पार्ट 3 आल्सो सर आई थिंक ये कहूंगा कि कोई भी चीज का पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी हम कहें तब बनता है जब प्यार होता है ऑडियंस का तो ये एंडिंग का कोई लेना देना नहीं आपने जिस तरह से आप रिएक्ट करेंगे उसके दम पर यू नो ये सब डिसीजंस लिए जाएंगे तो सब कुछ अभी ऐसा से 30 तारीख को आप लोगों के हाथ में दिस इज व्हाट्स नेक्स्ट चैप्टर चलो चलो गाइस लास्ट क्लास 40 इयर्स व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू डू लाइक कुछ दिल में है जो आप करना चाहेंगे बस ये और मिलियन लॉट ऑफ थिंग्स